दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे गुंडा महाराजा और शेर हिंदुस्तान फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे कि इन तीनों फिल्मों में से किस फिल्म ने बाजी मारी थी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं गुंडा फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। गुंडा सन 1998 में आई एक क्राइम एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, मुकेश ऋषि, इशरत अली, शक्ति कपूर, रजाक खान, रमी रेड्डी, हरीश पटेल, मोहन जोशी, दीपक शिर्के, वर्णा राज, सपना, गुलशन राणा और विनोद त्रिपाठी नजर आए थे। इस फिल्म को कांति शाह ने डायरेक्ट किया था। इसे प्रोड्यूस किया था अनिल सिंह ने और इस फिल्म की कहानी बशीर बब्बर ने लिखी थी और इस फिल्म के म्यूजिक आनंद राज आनंद ने दिए थे। इस फिल्म को कुल 95 स्क्रीन के साथ 4 सितंबर सन 1998 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 2 करोड़ 10 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 2 करोड़ 14 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 21 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 1 करोड़ का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 3 करोड़ 72 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.3 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1998 की 46वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। अब जानते हैं शेर हिंदुस्तान फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। शेर हिंदुस्तान सन 1998 में आई एक क्राइम एक्शन फिल्म थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, सांगवी, गुलशन ग्रोवर, हेमंत बीरजे, तेज सप्रू, गेविन पैकार्ड, कसम अली, पुनीत इसर, सागर सिंह, हेमंत भट्ट, हेमंत रावन और इंदर खोसला नजर आए थे। इस फिल्म को टीएलवी प्रसाद ने डायरेक्ट किया था। इसकी कहानी भी उन्होंने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स अनिरुद्ध तिवारी ने लिखे थे। इस फिल्म को राजीव बब्बर ने प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म के लिए म्यूजिक आनंद मिलिंद ने दिए थे। इस फिल्म को 145 स्क्रीन के साथ 16 जनवरी सन 1998 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 2 करोड़ 50 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 3 करोड़ 18 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 28 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 1 करोड़ 32 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 5 करोड़ 56 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.2 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1998 की 33वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। अब जानते हैं महाराजा फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। महाराजा सन 1998 में आई एक एडवेंचर एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में गोविंदा, मनीषा कोइराला, राज बब्बर, सलीम घोष, शक्ति कपूर, कुलभूषण खरबंदा, इशरत अली, अपराजिता, अरुणा ईरानी और शनूर मिर्जा नजर आए थे। इस फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था। इसे प्रोड्यूस किया था नारायण दास मुखीजा ने और इस फिल्म की कहानी अनिल शर्मा और श्याम गोयल ने लिखी थी। इस फिल्म के लिए म्यूजिक नदीम श्रवण ने दिए थे, इसकी लिरिक्स समीर ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 175 स्क्रीन के साथ 4 सितंबर सन 1998 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 5 करोड़ 75 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 6 करोड़ 35 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 60 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 2 करोड़ 84 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 11 करोड़ 23 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 4 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1998 की 19वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। दोस्तों इन तीनों फिल्मों में से गोविंदा की फिल्म महाराजा ने बाजी मारी थी। वैसे दोस्तों आपको इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।